नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात धौरहरा लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 29। धौरहरा लोकसभा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। साल 2002 में जब भारत में परिसीमन आयोग बनाया गया, तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट 2008 में लागू की गई। 2008 में कई संसदीय सीटों को परिवर्तित किया गया, उसी में लखीमपुर खीरी और सीतापुर के हिस्सों को मिलाकर के धौरहरा की लोकसभा सीट बनाई गई थी। इसके पहले की बात करें तो इस सीट का नाम शाहबाद हुआ करता था, जो धौरहरा के अस्तित्व में आने के बाद खत्म हो गई। धौरहरा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, धौरहरा, कास्ता, मोहम्मदी, मोहाली और हरगांव। ये 5ों सीटें वर्तमान समय में, जो 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, तो उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हैं। अब तक इस सीट पर 3 चुनाव हुए हैं, 2009, 2008 में अस्तित्व में आई, फिर 2009 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, 2014, 2019। 3 बार लोकसभा के चुनाव इस सीट पर हो चुके हैं। लोकसभा सीट पे धौरहरा के अस्तित्व में आने के बाद या उसके पहले जो शाहबाद की सीट हुआ करती थी, अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो बाहरी उम्मीदवारों का, जो यहाँ धौरहरा के स्थानीय नहीं थे नेता, ऐसे उम्मीदवारों को जिताने और दिल खोल कर उनका इस्तकबाल करने का इतिहास इस सीट का रहा है। इतिहास में जाया जाए तो इस सीट ने, इस लोकसभा के जो यहाँ वोटर हैं, इन्होंने कई दिग्गज नेताओं के सपनों पर पानी फेरने का भी काम किया था। 1989 में जब जनता दल का वर्चस्व चल रहा था, जनता दल की एक लहर थी पूरे देश में, उस वक्त के चुनाव में सुरेंद्र विक्रम सिंह, जो यहाँ बड़े नाम के थे, बड़े नेताओं में गिने जाते थे, चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, चुनाव जीत नहीं पाए। ऐसे ही साल 2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो शाहबाद से भारतीय जनता पार्टी ने सत्यदेव सिंह को टिकट दिया। सत्यदेव सिंह की गिनती भी बड़े नेताओं में होती थी, पर यहाँ वोटरों ने सत्यदेव सिंह को नकार दिया। ऐसे ही बात चाहे दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल की हो या फिर डॉक्टर अशोक वाजपेयी जैसे लोग रहे हों, इन लोगों के सपनों पर पानी फेरने का काम इस शाहबाद के वोटरों ने किया था। वर्तमान समय में जो यहाँ जो भी परिदृश्य है, जो समीकरण है, उनकी बात की जाए तो बड़े नेताओं के बतौर बड़े नेता इस सीट पर रेखा वर्मा का नाम आता है, चूंकि 2009 में जब ये सीट अस्तित्व में आई थी तो पहली बार यहाँ से जतिन प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ करके और चुनाव जीते थे। फिर दूसरे चुनाव में 2014 में रेखा वर्मा आई, रेखा वर्मा यहाँ पर चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी से। फिर 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा को ही चुनावी मैदान में उतारा और रेखा वर्मा यहाँ से दूसरी बार सांसद हैं। रेखा वर्मा की बात की जाए तो साल 2014 में जो लोकसभा का चुनाव आया, वो उनका पहला चुनाव था। इसके पहले वो बहुत ज़्यादा लोकसभा स्तर पर या विधानसभा स्तर पर ऐसी कोई सक्रियता उनकी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, चूँकि इनके पति अरुण वर्मा स्थानीय स्तर पर खूब सक्रिय नेताओं में उनकी गिनती थी, दिग्गज और पुराने बसपाई के तौर पर उन्हें जाना जाता था। साल 2002 में बसपा ने उनको पहली बार, अरुण वर्मा को पहली बार अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया। हालांकि अरुण वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, पर जो उनकी जो क्षेत्र में उनका दबदबा था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई थी। इसको उदाहरण इस तरीके से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ताकत के दम पर पसगावा जो ब्लॉक है, खीरी में आता है पसगावा ब्लॉक से, 2 बार इन्होंने अपनी पत्नी रेखा वर्मा को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई अनूप गुप्ता को इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। ये सारा उस समय इन लोगों की सक्रियता नहीं थी और अरुण वर्मा के अकेले अपने दम पर ये सारी राजनीतिक गणित फिट करने में कामयाब हुए थे। साल 2012 में विधानसभा के बाद, साल 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के तुरंत बाद बसपा लोकसभा की तैयारी में लग गई थी। बसपा ने धौरहरा की लोकसभा सीट से अरुण वर्मा को अपना प्रभारी प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुना और तय किया। इसके बाद अरुण वर्मा वहां पर खूब सक्रिय हो गए, कई रैलियां और जो भी प्रचार प्रसार हो सकते थे वो सारे वो करने में जुट गए थे। हालांकि कुछ समय बाद अचानक बसपा ने एक निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए अरविंद गिरी को धौरहरा का प्रभारी बना दिया और बसपा में जो प्रभारी बनता है वही उसका प्रत्याशी होता है। जब अरविंद गिरी प्रभारी बना दिए गए तो इससे अरुण वर्मा में नाराजगी हो गई और फिर ये वरुण गांधी के संपर्क में आए। वरुण गांधी के संपर्क में आने के बाद साल 2013 में अरुण वर्मा ने
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, बसपा छोड़ दिया, बसपा से करीब एक लंबा नाता अपना छोड़ करके और ये भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा में भी खूब सक्रिय रहे। साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे उसके कुछ समय पहले ही अरुण वर्मा का आकस्मिक निधन हो गया। अरुण वर्मा के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पत्नी रेखा वर्मा को सक्रिय राजनीति में लेके आई और रेखा वर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में बतौर प्रत्याशी चुनाव लड़ाया। रेखा वर्मा मोदी लहर और अरुण वर्मा के नाम पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई और सांसद बनी। फिर साल 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा, ये चुनाव जीती और दूसरी बार यहाँ से सांसद हैं। साल 2020 में जब सितंबर माह में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई पदाधिकारियों में बदलाव किए गए तो रेखा वर्मा को रेखा वर्मा के कद को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया। उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई और संगठन में उन्हें बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल किया गया है। रेखा वर्मा इसके अलावा कुछ विवादों के साथ भी जुड़ी रही हैं। मसलन एक बार इनके काफिले में एम्बुलेंस के फंसने को लेकर भी मीडिया में चर्चा में रही थी। फिर एक बार एक अपनी सुरक्षा में तैनात एक सिपाही पर ही इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था तो उसको लेकर के भी ये चर्चा में रही थी। बाकी इसके अलावा इनकी जो छवि है वो साफ सुथरी गिनी जाती है, क्षेत्र में इनकी कुछ इनकी जो सक्रियता है वो भी ठीक ठाक मानी जाती है। इसके अलावा दूसरे नेता के तौर पर देखा जाए तो जतिन प्रसाद का नाम आता है। जतिन प्रसाद चूंकि 2009 में जब ये सीट बनी थी तो पहले इस सीट से सांसद चुने गए थे। इसके पहले साल 2004 में वो शाहजहांपुर की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। जतिन प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जितेंद्र प्रसाद शाहजहांपुर की लोकसभा सीट से 4 बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। साल 2001 में जितेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जतिन सक्रिय राजनीति में आए। जतिन को कांग्रेस ने वहां से उपचुनाव लड़ाया, जतिन वहां से सांसद चुने गए। फिर साल 2004 में भी उसी सीट से सांसद हुए, पर जब 2009 में परिसीमन हो गया तो उसके बाद ये सीट आरक्षित श्रेणी में चली गई। इसकी वजह से जतिन प्रसाद को धौरहरा सीट से चुनाव लड़ना पड़ा था, हालांकि पहले चुनाव में जीतने में कामयाब हो गए। साल 2009 में जब वो चुनाव जीते तो उसके बाद फिर वो केंद्र में मंत्री बने, उन्हें राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया और उस समय उन्होंने प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सड़क परिवहन जैसे बड़े मंत्रालयों का जिम्मा संभाला था। साल 2014 में धौरहरा की लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा, पर ये मोदी लहर में चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए बल्कि चौथे नंबर पर पहुंच गए। फिर साल 2017 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये तिलहर जो शाहजहांपुर की विधानसभा सीट है तिलहर से चुनाव लड़े, पर उस विधानसभा चुनाव में भी ये जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। साल 2019 में एक बार फिर कांग्रेस ने इन पर धौरहरा लोकसभा सीट पर दांव लगाया, ये पर इस बार भी ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद नाम आता है अरशद इलियास सिद्दीकी का। अरशद इलियास सिद्दीकी 2019 में सपा बसपा जो गठबंधन था उसके प्रत्याशी थे। ये सीट बसपा के हिस्से में थी, बसपा ने इन्हें अपने चुनावी मैदान में उतारा था। अरशद प्रसिद्ध जो नेता थे इलियास आजमी, इनके बेटे हैं। इलियास आजमी 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। शाहजहांपुर की सीट से 2 बार चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके ये सांसद बने थे। अरशद को चुनाव लड़ाने के पीछे ये था कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खूब सक्रिय रहते हैं, अक्सर चर्चा में रहे हैं। जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके ये कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष हैं। इस तौर पर ये सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हालांकि ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद नाम आता है बसपा के ही दिग्गज नेता दाऊद अहमद का। दाऊद अहमद 1999 में शाहबाद जब सीट हुआ करती थी उस समय लोकसभा का चुनाव जीत करके बसपा के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत करके सांसद रहे थे। फिर साल 2007 में ये हरदोई के पिहानी जो विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़े पर चुनाव हार गए। 2009 में ये लोकसभा का चुनाव बसपा के ही टिकट पर लखीमपुर खीरी से लड़े और 2014 में ये धौरहरा की सीट से चुनाव लड़े थे, हालांकि दोनों चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें मोहम्मदी की विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, ये चुनाव भी ये हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ये धौरहरा की लोकसभा से बसपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। बाद में जब गठबंधन हो गया फिर बसपा ने अरशद को अपना उम्मीदवार घोषित किया और तो ये बसपा से इनकी
नाराजगी रहने लगी इसको लेकर के, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। फिर नाम आता है आनंद भदौरिया का। आनंद भदौरिया मूल रूप से सीतापुर के हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ से इन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे पर ये चुनाव जीत नहीं पाए थे। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए पर ये समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इनके बेहद करीब आ गए। इनके करीबी होने के नाते इन्हें 2014 में इस लोक धौरहरा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला, हालांकि ये चुनाव हार गए। इसके बावजूद भी अखिलेश ने इन्हें एमएलसी बनाया। वर्तमान समय में ये सीतापुर से एमएलसी हैं। क्षेत्र में इनकी सक्रियता रहती है, क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं तो छात्रों के बीच में इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। कोरोना काल में भी कई तरीके के मदद, चाहे वो सीतापुर से जुड़ी हो या सीतापुर के लोगों की दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर फंसे होने को लेकर के भी, ये उनकी मदद करने के लिए इन्होंने एक बार आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से बात की थी, और इस तरीके की कई घटनाओं को लेकर के पीछे कुछ समय से ये सुर्खियों में बने रहे हैं। ये जो इस क्षेत्र में, जो इस लोकसभा क्षेत्र में नेता हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं या जिनका जिनकी सक्रियता से वहाँ के चुनाव प्रभावित होते हैं, वोटर प्रभावित होते हैं, ये उनके बारे में था। अब जब इस सीट के समीकरण की बात की जाए तो शाहजहांपुर की सीमा से शुरू होकर के और बहराइच की सीमा तक फैला इस धरोहरा लोकसभा सीट में मुस्लिम ब्राह्मण जो वोटर हैं वो यहाँ के प्रत्याशियों का निर्णय करते हैं। वोटरों जो वही प्रत्याशियों का भाग्य तय करते हैं। जो इस लोकसभा सीट में कुर्मी वोटरों की संख्या है वो करीब 2.5 लाख के आसपास है। इनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रहती है, और यही कारण है कि अरुण वर्मा और रेखा वर्मा की जो सक्रियता है इस लोकसभा में वो बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। जातीय समीकरण जो है यहाँ पर उसको साधने के साथ साथ बाढ़ जो यहाँ पर हर साल, लगभग हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ में भूमि का कटान खूब होता है, तो ये एक यहाँ का बड़ा मुद्दा रहा है। ये समस्या यहाँ हमेशा गंभीर समस्या के तौर पर होती है और हर प्रत्याशी को इसका सामना करना पड़ता है। बहरहाल, विकास की आड़ में जाति समीकरण को साधना यहाँ हमेशा से प्रत्याशियों का और पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती रही है, और यही भविष्य में भी आगे पार्टी और प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी। धन्यवाद।